Hello dear student, good morning to all of you. This is our first video of trigonometry. And trigonometry आमें basically तुम्हारा class 9th और 10th रे तुम्हें जहाँ पढ़ी थी लो आमें से विषय first discussion करीबा after then हमारा plus two बैठा start करीबा. So देखा तुम्हारा को मैं इतनी कोई भी trigonometry हो जो एक बहुत important chapter तुम्हारा plus two level पाई combine ना तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री ऑल कॉन्सेप्ट आउ फॉर्मूला को जदि भल रे मन रखिबो ताल से तुम्हारा फर्स्ट ईयर पई बहुत हेल्प करिबो. ऑल्सो आमर ट्रिगोनोमेट्री होउछ बहुत इंपोर्टेंट फॉर सेकंड ईयर. सेकंड ईयर आमे तरे डेरिवेटिव आउ इंटीग्रेशन पढ़िबा सेठी आमर ट्रिगोनोमेट्री रो ऑल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला दरकार. सो ट्राई करिबो भल रे बुझिया पई आउ कॉन्सेप्ट को क्लियर करिया पई. तो देखो तुम्हारा जो वर्ड रहला ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री. सो आमे फर्स्ट तार इंट्रोडक्शन डिस्कशन करिबा. सो लेट्स सी द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री. ए जो वर्ड रहला तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री ए वर्डटा तुम्हारा दुईटा ग्रीक वर्ड रो डिराइव हेची. वन वर्ड इज ट्रिगोनन, अनदर वर्ड इज मेट्रन. ए जो रहला तुम्हारा वर्ड ट्रिगोनन, दिस वर्ड ट्रिगोनन मीन्स हेला तुम्हारा ट्राइंगल and metron means measurement. That means हमें जदि trigonon आउ metron को combine करिबा then we get the word trigonometry. That means हमें कही परिबा जे the word trigonometry means the study on measurement of angles and sides of a triangle. Okay, ये ला तुम्हारा trigonometry meaning. The word trigonometry means the study on measurement of angles and sides of a triangle. So next ame discussion kariba angle and its measurement. That means amar gote triangle le to tumi already janicho kono side sab janicho. Side hela kono je kono si gote vertices ku je kono si dui ta vertices ku tumar jo line segment ta join korchi that line segment is called sides of a triangle. नाउ आमे डिस्कशन करिबा व्हाट इज एंगल एंड तर मेजरमेंट कौन. बेसिकली आमे क्लास 8 9 10 रे आमे कौन जे कोन से गोटे एंगल आमे ड्रॉ कर दे कि आमे सेठी तर एंगल टाक मेजरमेंट करथिले. बट एठी आमर प्लस 2 लेवल ले हमरा एंगल मेजरमेंट टा टिके डिफरेंट कय रहिबो. कोन पाइना तुमर एंगल जो मेजरमेंट टा करिवो सेटा आमर तुम्हार मे भी पॉजिटिव हो पारे और नेगेटिव भी आसी पारे जोटा कि तुम्हारा अच्छे सेन्स ऑफ एंगल ये पर्टिकुलर तुम्हें देखी पारुछो. सो फर्स्ट आम देखा चल व्हाट इज एंगल एंड तार मेजरमेंट कौन. ओके लेट्स सी एंगल. एंगल मीन्स कौन देख सपोज वी ड्रॉ ए रे. ये आम गोटे रे ड्रॉ करदे इन दिस रेज तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाए तुम्हारा इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट. ओके एंड ए जो रे आमर दैट रे इज कॉल्ड इनिशियल रे. नाउ आम रे को कौन करिवा ना धीरे 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 रोटेट करिवा. ओके रोटेट जदि करिया रोटेट कला परे मन कर ए रोटेशन टा तुम्हारा आसिक एटी पहुँचला तन ए लाइन रो पोजिशन रे रो पोजिशन बर्तमान तुम एटी पलि आसला. सो नाउ देखो ए रे को आमे रोटेट करिकी ए पोजीशन को नेले. सो एठी आमर जो रहिला तुम्हारा रोटेशन रा दैट रोटेशन इज कॉल्ड एन एंगल. दैट मीन्स वी से दैट आमर पर्टिकुलर आमर ए इनिशियल पॉइंट को आमे फिक्स करिकी ए लाइन को आमे कौन कले ना रोटेट कले. सो ए रोटेशन टा को आमर कह जाए एंगल. दैट मीन्स एन एंगल इज द रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. सो तुम्हें जेकोसी भी ड्र कर गोटे एंगल जदि ड्र कर सपोज ये आमर गोटे इनिशियल रे और स्टार्टिंग रे एंड स्टार्टिंग रे रे तुम्हारा ये है तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ ए पॉइंट को तुम्हें कनसीडर करी जो रे टा को कौन करना सिफ्ट करवा. सिफ्ट केमी करा रोटेसन करी. सो जदि तुम्हें ए रे को रोटेट करी पोजिशन को आणुच तमें वी से दैट दिस रोटेशन इज कॉल्ड एन एंगल. जदि तुम्हें ए रे को रोटेट करी पोजिशन को आणुच देन वी से दैट दिस रोटेशन इज एन एंगल. सो दैट एन एंगल इज द रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट.
नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सो गोटे एंगल को आम केमी मेजर करवा पर्टिकुलरली देख आम जब गोटे एंगल को मेजर कर मन पक ये तुम ऑलरेडी देख फिगर दे गोटे एंगल दे ये है तुम एंगल ना आम यार बाहर करवा मेजरमेंटा के सो देख एंगल रे तुम स्टार्टिंग रेट कह जाए इनिशियल लाइन और इनिशियल रे एंड आफ्टर रोटेशन आम जो लाइन टा पाई दैट लाइन इज कॉल्ड टर्मिनल लाइन। दैट मीन्स आम जो गोटे एंगल को मेजरमेंट करवा आम क्लास 8, 9, 10th आम यूज करते प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टर यूज करें एंगल मेजरमेंट कर मन पकाओ तुम प्रोटेक्टर सेन्टरटा को यही पॉइंट सहित सेम करूल आफ्टर देन ओ ए रे को आम ट्राए कर 0° सहित इक्वाल करने कलापर आम चेक करूँ ओ बीटा तुम प्रोटेक्टर केते डिग्री एंगल सहित सामान दैट मीन्स आम यमाउंट को यही रोटेसन आमाउंट को बाहर करूँ सो दैट एंगल मेजरमेंट मीनस कौन ना एंगल मेजरमेंट मीनस होमर आमाउंट अफ रोटेसन। सो वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे टू द टर्मिनल रे इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। दैट मीन्स इनिशियल लाइन नु टर्मिनल लाइन भितरे तुम्हार जो रहिला अमाउंट ऑफ रोटेशन और दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ओके सो ये है तुम मेजरमेंट ऑफ एंगल। देन नेक्स्ट वी डिस्कस सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल मीन्स देख कौन आम तो जाने एंगल को आम जो मेजर करवा तुम एंगल मेजरमेंट ऑलवेज आसे पॉजिटिव बट सेंस ऑफ एंगल मीन्स आम सेंस ऑफ एंगल ने आम मे बी एंगलटा तुम पॉजिटिव एंगल आसीपे और नेगेटिव एंगल आसीपे ओनली तार सेन्स बट तुम अमाउंटा सब सेम र अमाउंटा सब बड़े सेम कहीं आम आंगेलटा सब कौन आसना अमाउंटा हूँ सब पॉजिटिव आसो बट तार सेन्सटा को आम कह क्या केत कह पॉजिटिव सेन्स आत कह नेगेटिव सेन्स ना कनसीडर कर क्लॉक सब तुम देखीच क्लॉक रे देख आमर मिनिट आवर हैंड आवर और सेकेंड आवर तुम यही डिरेक्शन रिमूव करुंट एंड दिस डिरेक्शन इज कॉल्ड आज क्लॉक वाइज डिरेक्शन। ओके दिस डिरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉक वाइज डिरेक्शन क्लॉक वाइज एंड जदि आम यार रिवर्स डिरेक्शन जीवा देन दिस डिरेक्शन इज कॉल्ड आंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन। ओके दिस डिरेक्शन इज कॉल्ड आंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन आंटी क्लॉक वाइज एंड जस्ट रिमाइंड जितेबाला आम गोटे एंगेल को मेजरमेंट करुले सपोज मुझे गोटे एंगेल ड्र करदेली आम जो एंगेल को मेजर करुले बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आम कौन करुले ना यही लाइन रु लाइन को एंगेल मेजरमेंट करुले केवे भी आम यही लाइन रु लाइन को मेजरमेंट करे मैंने आम प्रोटेक्टर को रखिकी लाइनटा को आम ट्राए करुले 0 सहित इक्वाल करने आफ्टर देन आम यही डिरेक्शन एंगेलटा को मेजरमेंट करुले। ओके सो यही जो डिरेक्शन आसरेक्शन आम कौन है ना आमर ये डिरेक्शन है आंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन। सो आमर आंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन जितेबाला आम एंगल को मेजरमेंट करुले से आम सब एंगेल सैनटा आम कौन दे ना पॉजिटिव एंड आम सब भी जाचे हूँ कौन ना एंगेल को सब पॉजिटिव बट देख सेन्स अफ एंगेल मीनस आम केत कनसीडर करवा एंगेल सेन्सटा पॉजिटिव आसो आउ केत कनसीडर कर आंगेल सेन्सटा नेगेटिव आसो। लेट्स सी द टू फिगर्स इन फास्ट फिगर ओ ए इज योर इनिशियल रे एंड ओ बी इज द टर्मिनल रे एंड एटी तुम चेक कर ये डिरेक्शन आमर अच्छी एटी आम डिरेक्शनटा रहा कौ डिरेक्शन ना आंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन आंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन। सो पिला माने मन रखिब जेतबले तुमर एंगल डिरेक्शनटा इनिशियल रे रु टर्मिनल रे को इनिशियल रे और इनिशियल लाइन रु टर्मिनल लाइन को जदि तुमर एंगल डिरेक्शनटा आंटी क्लॉक वाइज थिबो देन वी कंसीडर और देन वी कंसीडर द सेंस ऑफ एंगल इज पॉजिटिव एंगल बट जदि तुमर
सेकेंड फिगर लाइक तुम सेकेंड फिगर देख आमर इनिशियल रे है ओ ए एंड ओ बी इज द टर्मिनल रे एंड एठी आमर इनिशियल रे रु टर्मिनल रे को आमर डायरेक्शन आसुच नेगेटिव सो जेतेबेले आमर डायरेक्शन टा हे जीव क्लॉक वाइज ये गला आमर क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो क्लॉक वाइज डायरेक्शन हेले आमर एंगल ऑफ सेंस हे जीव नेगेटिव सो दैट मीन्स आमर सेंस ऑफ एंगल आमर डिपेंड करुच कहा उपरे ना डायरेक्शन उपरे कहार डायरेक्शन ना रोटेशन ऑफ द एंगल ऑफ डायरेक्शन उपरे एंड रोटेशन ऑफ एंगल डायरेक्शन कोठ कोठी ना इनिशियल रे रु टर्मिनल रे को दैट मीन्स वी से दैट द सेंस ऑफ एंगल द सेंस ऑफ एंगल इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे इनटू द टर्मिनल रे लाइक जमीक आम डिस्कशन कले आम जितेबले भी डायरेक्शन आम सब मेजरमेंट कर डायरेक्शन देखा डायरेक्शन आम सब चेक करवा इनिशियल रे रु टर्मिनल रे एंड जदि तुम रोटेशन टार तुम जदि एंगल ऑफ रोटेशन इफ द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज सेंस देन द एंगल इज मेजर्ड इन नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव इफ द रोटेशन इज एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस दैट मीन्स आमर सेन्स अफ आंगेल आईदर आसो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ये तुम डिपेंड कर डायरेक्शन डायरेक्शन मीन्स कौन ना तुम यदि डायरेक्शन है दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड जो रिवर्स आसला दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो आंगेल डायरेक्शन जदि तुम क्लॉकवाइज थी फ्रम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे देन द सेन्स अफ आंगेल इज नेगेटिव एंड जदि तुम एंगल डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे जदि तुम एंटी क्लॉकवाइज थी देन द सेंस ऑफ एंगल इज पॉजिटिव दैट मीन्स ये देख मु तुमको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल दे कि बुझौच सपोज ये आम गोटे कनसीडर कले एंगल एंगेल फर्स्ट लाइन टाइम होनेकरा इनिशियल रे एंड सेकेंड लाइन इज द टर्मिनल रे टर्मिनल रे एंड एटी सपोज आमर एंगल डायरेक्शन कंपलसरी कौन ए टाइप रही है लेट मनेकर ए एंगल वैल्यूटा होती के 60 डिग्री जदि ए एंगल वैल्यू हो 60 डिग्री दैट मीन्स यार सेन्स अफ एंगल अनुसार वी से दैट दिस इज प्लस 60 डिग्री और पॉजिटिव 60 डिग्री और तुम खाली भी कहींपर 60 डिग्री बट जदि तुम मनेकर एंगेलटा मनेकर ए टाइप रहा हुए दिस इज आवर इनिशियल रे ये तुम इनिशियल एंड ए लाइन टाइगला तुम टर्मिनल टर्मिनल मनेकर ये तुम आंगेलटा मनेकर अच्छे 30 डिग्री एंड यार डायरेक्शन तेल कौन है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो जो आम या रीड करवा एक्चुअली यार अमाउंट हूँ 30 डिग्री बट सेन्स अफ आंगेल के दैट इज माइनस अफ 30 डिग्री दैट मीन्स दिस इज ए नेगेटिव आंगेल सो तुम पॉजिटिव एंगल रे तुम सब बेले डायरेक्शन टा रहिबो एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव एंगल्स रे तुम डायरेक्शन ऑलवेज आसिबो क्लॉकवाइज ओके तापर नेक्स्ट देख क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स तुम्हें ऑलरेडी पिला माने पढ़िच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे क्वाड्रेंट मीन्स कौन ना आम ये कन्सीडर करवा दुटा म्यूचुआल परपेंडिकुलर लाइन टू म्यूचुआल परपेंडिकुलर लाइन and the lines are the lines are perpendicular to each other and where the lines are meet or intersect that point this point is called origin so let's see here tumara gote rahila tumara horizontal line aa gote asila tumara vertical line ame horizontal line ko ame represent kariba x axis jara full name de daba x dash o x axis एंड वर्टिकल लाइन नेम टाक रिप्रेजेंट करवा वाई ओ वाई डैश एक्सीस सो जिते तुम गोटे प्लेन रे एक्स एक्सीस आ वाई एक्सीस तुम राइट एंगल ले इंटरसेक्ट देन ए दुटा एक्सीस तुम टोटल प्लेन टाक चारिटा पार्ट रे डिवाइड कले वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट एंड दिस पार्ट इन दिस फोर पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट
ताने ये है तुम गोटे क्वाड्रेंट ये भी गोटे क्वाड्रेंट ये है गोटे क्वाड्रेंट ये भी गोटे क्वाड्रेंट ओके सो तुम ये जो चारिटा पार्ट रोचे आम यही चारिटा पार्ट को आम चारिटा क्वाड्रेंट कह दैट मीन्स कनसीडर दि एक्स आक्सीस को आम रिप्रेजेंट करुचे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई आक्सीस जहाँ को रिप्रेजेंट करुचे वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स आर कॉल्ड ए क्वाड्रेंट ओके ईच पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट सो लेट्स सी दिस इज रहिला तुम दिस इज आवर एक्स आक्सीस एंड एटा है तुम वाई आक्सीस दिस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और आम अल्सो कहीपर पोल ओरिजिन ऑफ पोल एंड ओ एक्स आक्सीस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स आक्सीस ओ वाई आक्सीस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई आक्सीस सिमिलरली ओ एक्स डैश इज द नेगेटिव एक्स आक्सीस ओ वाई डैश इज रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वाई आक्सीस दैट मीन देख ये है तुम फास्ट क्वाड्रेंट फास्ट क्वाड्रेंट रे एक्स है पॉजिटिव वाई पॉजिटिव सो यार साइन हो गला प्लस प्लस बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट हमरो एक्स आक्सीस टा होची कोन नेगेटिव एक्स आक्सीस बट पॉजिटिव वाई आक्सीस सो दैट नेगेटिव एक्स आक्सीस पॉजिटिव वाई आक्सीस सो दैट यार साइन आसला नेगेटिव पॉजिटिव सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट हमरो एक्स आक्सीस टा होची नेगेटिव वाई आक्सीस हैला नेगेटिव सो यार साइन हो गला नेगेटिव नेगेटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट द साइन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन पाई ना फोर्थ क्वाड्रेंट तुम एक्स आक्सीस टा हूँ पॉजिटिव एक्स आक्सीस वाई आक्सीस है नेगेटिव वाई आक्सीस सो ये तुम साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट एंड जहाँकि तुम ऑलरेडी क्लास नाइन्थ और टेन्थ भी पढ़ी थो सो हियर आम जोटा कि कही तुम फुल नेम एक्स आक्सीस फुल नेमटा है एक्स डैश ओ एक्स और तुम्हें अल्सो रिप्रेजेंट कर एक्स प्राइम ओ एक्स सिमिलरली y prime o y is called y axis and the center that means o is called origin or pole okay so ye thila tumar quadrant and ei quadrant ra bahut important role achi tumar trigonometry re kon mane ei quadrant ku ame use kari ki ame dekhiba tumar trigonometry ra sign sabu kon rahibo jaha ke ame next sabu discussion kariba next video man kare okay then next thing एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन तो देख आम तो जानचे आम पर्टिकुलर ये है गोटे आंगेल आम केत कह आंगेलटा तुम स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छी ना जदि आंगेल तुम ये जो रहा तुम स्टार्टिंग पॉइंट दैट इनिशियल पॉइंट जदि तुम ओरिजिन सहित सामान हम एंड द इनिशियल रे द इनिशियल रे जदि तुम इनिशियल रेटा एक्स आक्सीस सहित सामान हम एंड आम ये जो आंगेलटा को मेजर करवा मेजरमेंटा तुम सब पॉजिटिव एक्स आक्सीस रु पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स आक्सीस रे तुम आंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जदि आम आंगेल को मेजरमेंट करवा देन वी से दैट दिस आंगेल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन सो आंगेल इन स्टैंडर्ड पोजिशन दैट मीन्स an angle is said to be in standard position if the initial point of the ray is origin so angle of initial point ta tumara jodi origin saha saman hobo and angle measurement from positive sides of x axis that means o x axis in anti clockwise direction in anti clockwise direction देन वी से दैट द आंगेल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन लाइक देख तुम ये जो फिगर ड्र होमर ये है तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिस इज द पॉइंट ओरिजिन नाउ आम ओरिजिन नु बर्तमान देख आम जहाँ भी आंगेल ये या सो आम जब एटिया को मेजर करे तो वी से दैट दिस आंगेल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन ओके ना जदि तुम्हें या को भी जदि कनसीडर कर देन वी से दैट दिस आंगेल अल्सो इन स्टैंडर्ड पोजिशन सिमिलरली देख ये तुम जो ओपी रे ड्र कराई जदि आम एंगेल को मेजरमेंट करवा अल्सो वी से दैट दिस आंगेल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन अल्सो जदि तुम ये टोटाल आंगेलटा को मेजर कर दिस आंगेल इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन बट देख तुम जदि
आंगेल भितर जदि तुम यही आंगेल को मेजरमेंट करुच देन वी से दैट दिस आंगेल नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन पाई ना आमर एटी जो इनिशियल रे हला ए इनिशियल रे टा तुमर ओ एक्स एक्सिस ऊपर है नाही जदि तुमर इनिशियल रे टा एक्स एक्सिस ऊपर रही थांदा देन वी से दैट ये होची तुमर स्टैंडर्ड पोजिशन ने अच्छी ओके सो गोटे आंगेल टा तुमर स्टैंडर्ड पोजिशन अच्छी कि नहीं जानिया पई कौन करिवो चेक कर दबो तुमर इनिशियल पॉइंटा ओरिजिन ना नहीं एंड तुमर मेजरमेंट ऑफ एंगल तुमर पॉजिटिव एक्स एक्सिस रु एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने मेजर हेच ना नहीं ओके सो एथला तुमर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन सो पिला माने वीडियो को केयरफुली देखिबो देखि साला परे जदी तुमर किछ डाउट्स रहउची देन तुम मते कमेंट करिकी पचारि परिबो एंड प्लीज तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कले तुम जो नेक्स्ट वीडियो तुम अपलोड हे सो ऑटोमेटिकली तुम यूट्यूब को पलै आस प्लीज समस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर एंड वीडियो को केयरफुल देख ठीक अच्छे देन आम नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कसन करवा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ओके।